हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान एडिट। तो फ्रेंड्स, आज की जो एडिटिंग होने वाली है वो एक अम्ब्रेला बेस कॉन्सेप्ट में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, फोटो आप लोग पहले देख लो यार, पहले ये फोटो कुछ इस तरह की थी एंड जो अब फोटो बन के निकली वो इतनी अच्छी बन के निकली, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम लोग आज दिखाने वाले हैं बहुत सी नई चीज़, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो वीडियो को पूरा देखना एंड भाई बीच में स्किप मत करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो घंटे का आइकन है उसको भी ऊपर क्लिक करके ऑल में सेलेक्ट कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड इस फोटो के लिए लिया है, ठीक है। एंड यहाँ से पहले इसको थोड़ा ठीक करेंगे, तो जाएंगे हम लोग टूल्स में एंड यहाँ से एडजस्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इसका जो सैचुरेशन होगा उसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर देंगे कुछ इतना, ठीक है। एंड यहाँ से इसकी जो हाइलाइट्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे घटा के कुछ इतना। एंड यहाँ से एक क्लियरिटी का ऑप्शन होगा उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे एंड इसका जो कंट्रास्ट है वो भी हल्का सा ऊपर इंक्रीज़ कर देंगे एंड फ़ोटो कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब फोटो हमको हल्का सा ब्लर देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ब्लर में क्लिक कर दिया एंड यहाँ से ब्लर में हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ की इसकी जो ऑपेसिटी है वो हम लोग रखें कुछ 15 या 14 या 9 के आसपास, 10 के आसपास रखते हैं। एंड यहाँ से इसका फेड वगैरह भी हम लोग देख लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड भाई, यहाँ से ऊपर ब्रश में क्लिक कर देंगे एंड कर देंगे इसको इनवर्ड, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, हमको जहाँ जहाँ हमें ब्लर चाहिए वहाँ सिंपली इसको पेंट कर देना है। तो यहाँ से मैंने इतना यहाँ से इसको पेंट कर दिया, फ़ोटो बहुत ही भयंकर लगेगी कसम से यहाँ पर। एंड ऊपर भी इसके कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारी हो चुकी है एंड यहाँ से वापस से हम लोग यहीं से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ इतना सही लग रहा है एंड कर देंगे यहाँ से इसको डन, ठीक है। तो फोटो में हल्का सा एडजस्टमेंट हो चुका है एंड अब इसको ले चलेंगे ड्रा वाले टूल में एंड वहाँ पर हम लोग इसकी शेडो वगैरह ऐड कर देंगे मॉडल के ऐड करने के बाद। तो चलिए चलते हैं ड्रा वाले टूल में। एंड अब जाएंगे हम लोग ऐड फोटो में एंड यहाँ से अपना जो मेन मॉडल है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ इसको ठीक से शेडो में हम लोग को बिठा देना है बिल्कुल सही से। एंड ये हमारा जो मॉडल है वो ऐड हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमको अपनी PNG वगैरह को ऐड करना होगा, बस सिर्फ इतना काम बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऐड फोटो में एंड यहाँ से इसका जो अम्ब्रेला की PNG उसको हम लोग ऐड करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये वाली PNG ऊपर ऐड करनी है, तो इसके लिए हमको इसमें कुछ एरिया रिमूव करना होगा। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे इरेजर में एंड यहाँ से इसको अपने हिसाब से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ से इसका जो साइज़ है वो रखेंगे पूरा फुल एंड यहाँ से ऊपर से हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, कुछ इतना। एंड यहाँ से बिल्कुल ये सेट लग रही है एंड कर देंगे यहाँ से डन। एंड वापस से ऐड फोटो में जाएंगे और अब हमको यही फ़ोटो हमको बार बार ऐड करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस PNG को हम लोग ऐड करेंगे इसके पीछे कुछ इस तरीके से एंड ये कर देंगे हल्की सी ब्लर। तो यहाँ देते हैं, शायद ब्लर का ऑप्शन हमें दिख जाए एंड फ़ोटो कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे लगे कि फ़ोटो हाँ मतलब पीछे है। एंड यहाँ से इतना ब्लर सही रहेगा। एंड अब इसी फ़ोटो को हमको दोबारा से डुप्लीकेट बनाना होगा, यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं एंड इसी फ़ोटो को हम लोग बिल्कुल फ्रंट में ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमारे फ़ोटो में जो मतलब जो मेन PNG थी वो ऐड हो चुकी है एंड अब हमको बारिश की PNG इसमें ऐड करनी होगी ऊपर से। एंड जो एरिया आपको रिमूव करना है उसको आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं। एंड फ़ोटो कर देंगे यहाँ से डन।
तो फ्रेंड्स ये भी चीज़ यहाँ से हमारी हो चुकी है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा टेक्स्ट में एंड यहाँ से हम लोग बारिश नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बारिश लिख दिया एंड यहाँ से हम लोग डन कर देंगे एंड इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो यही रहने देंगे एंड यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से इसको नीचे हम लोग कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो भाई इससे क्या होगा, फ़ोटो हमारी बिल्कुल शानदार लगेगी, शानदार, ठीक है। एंड यहाँ से कर देंगे इसको डन। तो फ्रेंड्स अभी फ़ोटो अगर आप देख लो कितनी भयंकर एडिट हो चुकी है भाई, फ़ोटो में कोई भी कमी इसमें मुझको नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स इसको हम लोग फाइनल करेंगे एडिटिंग अपनी लाइटरूम ऐप में इसको सेव करने के बाद। तो चलिए चलते हैं अपनी लाइटरूम वाली ऐप में एंड पहले यहाँ से इसको ड्रॉ में हम लोग सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आ गए अपनी लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड यहाँ से हम लोग करेंगे एडिटिंग एंड यहाँ हम लोग जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में। तो इसका जो कंट्रास्ट है वो हम लोग हल्का सा कुछ इतना बढ़ा देंगे एंड इसकी हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे एंड शेडो को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम लोग ब्लैकनेस को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि फ़ोटो हमको थोड़ी ब्लैकनेस मतलब बेस में चाहिए ताकि हमारी फ़ोटो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, ठीक है। एंड ये भी चीज़ यहाँ से हो चुकी है एंड अब इसके नीचे आएंगे हम लोग टेम्परेचर वाले ऑप्शन में एंड इसका जो मिक्स है वो हम लोग उससे पहले यहाँ से इसकी जो सेचुरेशन है वो हम लोग हल्की सी कम कर सकते हैं ताकि हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी लगे। एंड यहाँ से मिक्स में जाएंगे एंड इसका जो रेड कलर का जो सेचुरेशन है वो भी हम लोग हल्का सा कम कर देंगे एंड इसका ऑरेंज का लूमिनेंस को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी फ़ोटो में थोड़ी ब्राइटनेस आ जाए इसके चेहरे पर। एंड यहाँ से इसका जो ब्लू वाला पार्ट है उसको भी हम लोग हल्का सा इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हमारे फ़ोटो में कुछ अलग ही लुक आए एंड यहाँ से कर देंगे डन। तो फ्रेंड्स ये भी चीज़ यहाँ से हो चुकी है एंड अब इसके नीचे आपको क्लियरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा तो वहाँ पर आपको इसका टेक्स्चर बढ़ा देना होगा एंड यहाँ से इसकी क्लियरिटी कर देंगे कुछ इतना ताकि हमारा जो मतलब ब्लैकनेस है वो बिल्कुल उभर के आए। इससे क्या होगा, हमारे फ़ोटो में कुछ अलग ही लुक आएगा। एंड यहाँ से इसका जो वैग्नेट का ऑप्शन है वो आपको करना होगा कुछ इतना एंड जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं भाई इसके बस फ़ोटो दो, कितनी तगड़ी फ़ोटो बन चुकी है, मतलब इतनी भयंकर ही एडिट हो चुकी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। एंड इसके नीचे हम लोग शार्पनिंग वाले ऑप्शन में आएंगे एंड कर देंगे फ़ोटो को हल्का सा शार्प कुछ इतना एंड यहाँ से कर देंगे नॉइस को रिड्यूस कुछ इतना। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख लो फ़ोटो कितनी भयंकर हमारी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको आफ्टर बिफोर करके दिखाता हूँ, फ़ोटो हमारी पहले पिक्स आर्ट में कुछ इस तरह की बन गई थी एंड अब जो हमारी फ़ोटो बन गई है वो कुछ इस तरह की बन गई। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितनी कमाल की एडिटिंग यहाँ पर हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगी इस वीडियो को प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। तो चलिए मैं होता हूँ आपको अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।